हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास धायल और आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आज गौरव बुढ़ानिया को, जिन्होंने आईएएस में 13 रैंक ली, आरएएस में इनकी 12 रैंक थी, गेट के अंदर 80 रैंक थी इनकी, आईआईटी बीयूटी से ये पढ़े हुए हैं, तो ऑलमोस्ट सारे एग्जामिनेशंस में इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त रैंक प्राप्त करी है। तो गौरव, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। थैंक एंड यू। सो गौरव को मैं काफी टाइम से जानता हूँ और बहुत समय से देखा भी इनको तैयारी करते टाइम, जब इन्होंने एक ही अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया था। तो मेरा सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल यही है आपसे कि इतने सारे एग्जाम्स में अगर आपकी इतनी टॉप रैंक आ रही है, तो कुछ तो आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी है, कुछ तो आपका अप्रोच ऐसा है जो औरों से अलग है या बेहतर है, तो वो कौन सी दो तीन ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हो वहां पर आपकी बेहतर रैंक आ रही है औरों से? हाँ तो इसमें यार सबसे पहले जो एकदम अपन इन्फॉर्मल इंटरव्यू करेंगे जिसमें अपने ऐसी बात बताएंगे कि किसी के काम आए। तो फर्स्ट जो चीज़ मैं किसी भी एग्ज़ाम में करता था, किसी भी एग्ज़ाम में सबसे पहले जब मैं स्टार्ट करता था तो सबसे पहले सिलेबस लाता था, उसको इतनी अच्छी तरीके से एकदम रट लेता था ना कि ये सिलेबस है। अब मतलब कि जनरली मेरी कल ही एक दोस्त से बात हो रही थी तो उसने बोला यार तू इतने सिलेबस के ऊपर फोकस करता है, सिलेबस तो 90% लोगों को पता है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। मैंने उसको इतना सा कहा था कि GS1 का सिलेबस बोल दे, यदि GS1 का ऊपर से नीचे तक तूने पूरा सिलेबस बोल दिया ना तो मैं मान जाऊंगा। और वो कम से कम 4-5 साल से तैयारी कर रहा है और उससे GS1 का सिलेबस नहीं बोला गया। फिर मैंने कहा चल GS1 का छोड़ दे, तू जस्ट सोसाइटी का सिलेबस बोल दे, GS1 के अंदर सोसाइटी है वो भी नहीं पता। तो अब यदि हमें कई बार ऐसे पता होता है कि मोटे मोटे ये 5-6-7-10 सब्जेक्ट आने वाले हैं GS1, 2, 3, 4 के अंदर, लेकिन वो सिलेबस किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और जब ये नई चीज़ नहीं पता होगी ना तो आपको जितनी भी चीज़ें होती हैं ना इंटीग्रेटेड स्टडी की वो नहीं कर पाते आप। जैसे आपको प्रीलिम्स और मेंस की स्टडी करनी है तो आपको पता तो होना चाहिए कौन सा टॉपिक है। तो मेरा जो सबसे पहला पॉइंट ये रहता था कि सिलेबस को एकदम अच्छे से याद करो, फिर जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको लगातार देखते रहो। और एक हमेशा मैं बोलता हूँ कभी भी अपने आप को ना ना अंडर एस्टिमेट करो ना कभी भी ओवर एस्टिमेट करो। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 2 किताब पढ़ने के बाद उनको लगने लगता है कि बस अब मैं ही 30 मार्क खाऊँ, तो वो वाली अप्रोच कभी भी नहीं रखनी, क्योंकि आपको नहीं पता कि इतना बड़ा इंडिया है। आजकल तो छोटे छोटे गाँव में कहाँ कहाँ से बच्चा तैयारी कर रहा है, आपको नहीं पता वो किस लेवल की तैयारी कर रहा है और वो कितना एफर्ट एग्ज़ाम के अंदर पुट कर रहा है। तो हमेशा मतलब कि एक जैसे बोलते हैं हमारे तरफ कि ना कुएं का मेंढक होता है ना, उसको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमर वो है, लेकिन उसे पता भी नहीं है कि कितनी नदियां हैं, कितने नाले हैं, कितने बड़े ओशियंस वगैरह हैं। तो वो कुएं का मेंढक कभी भी बन के नहीं रहना है। ये गौरव, एक जो जरूरी बात है कि जितने भी लोग इतने बड़े प्रेस्टीजियस एग्जाम्स को टॉप करते हैं, उनके अंदर इतने नंबर लेके आते हैं, उनका कुछ तो डेली स्केड्यूल बेहतर होता है, क्योंकि बिना डेली स्केड्यूल के, बिना एक एक फोकस्ड अप्रोच के, तो किस तरह का डेली स्केड्यूल रखा जब जब कोई तैयारी करी, जैसे आईएएस वाली करी या आरएएस की करी, जिससे प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी आपकी कहीं ना कहीं ज्यादा रहती होगी दिन में, तो वो किस तरह से लेते थे हमेशा से? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो एक टाइम टेबल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन टाइम टेबल ऐसा भी नहीं हो सकता कि 10 से 12 मैं ये करूँगा, 2 से 4 ये करूँगा, 4 से 6 ये करूँगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। आप बना लो, 4 दिन फॉलो कर लोगे, 2 हफ्ते कर लोगे, 2 महीने कर लोगे, इससे ज़्यादा आपसे फॉलो नहीं होगा। लेकिन एक मिनिमम टाइमलाइन तो सेट होनी चाहिए कि जैसे ज्योग्राफी मेरे को पढ़नी है वो मैं विद इन 20 डेज करने वाला हूँ। ज्योग्राफी के 4 पार्ट होते हैं, तो जियोमोर्फोलॉजी में 5 डेज में करने वाला हूँ, जियोमोर्फोलॉजी में ये 5 है तो उसको मैं पहले 1-2 दिन में करने वाला हूँ। इतनी एक ब्रॉडर टाइमलाइन आपके पास जरूर होनी चाहिए ताकि आप ना अपने आप को बता सको कि कब स्पीड तेज करनी है। जैसे आप अपने टाइमलाइन से लैग कर रहे हो पीछे 5-7 दिन, तो अब आपको पता चल जाएगा कि कब एकदम आपको तेज स्पीड से पढ़ना है, कब आपको ज्यादा जल्दी पढ़ना है, तो वो चीज एक आपके पास होनी चाहिए। दूसरा रिविजन, यूपीएससी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो भी तैयारी करता है ना उसका रिविजन है ना मतलब असिस्टमेटिक हो जाता है। जनरली आप देखोगे जो 10th 12th के जो टॉपर्स हैं वो यूपीएससी में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना एक्सपेक्टेड होता है। जैसे किसी एग्जाम का टॉपर है, जैसे यदि MBBS एग्जाम का जो नीट के अंदर AIR 1 आया है तो उसका यूपीएससी में मतलब कम से कम 20-25 टॉप 100 के अंदर तो रैंक आनी चाहिए, क्योंकि वो उसने ऑल इंडिया में, और ऐसा भी नहीं है कि वो आगे आने के बाद उसकी इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है। लेकिन जब जो 12th लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें सब्जेक्ट क्या होते हैं, 3-4 सब्जेक्ट फिक्स होते हैं, बुक्स उनकी फिक्स होती हैं, तो उनका क्या आता है, इतने छोटे से सिलेबस में रिविजन करना बड़ा आसान हो जाता है।
लेकिन यूपीएससी का जो इतना बड़ा तो सिलेबस है उसमें जैसे टॉपिक टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे आपको पॉपुलेशन दे दिया, अब उस पॉपुलेशन के ऊपर कितनी डायमेंशन है, यदि आप खोलना चाहो कि पॉपुलेशन क्या होती है, क्यों बढ़ती है, कहाँ बढ़ती है, दूसरे देशों के साथ कंपेयर करो, कम कैसे कर सकते हैं, मॉडर्न सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, यदि डिक्रीज होने लग जाए तो क्या, पॉपुलेशन पॉलिसी आ जाए तो क्या है, उसके क्या नुकसान, उसके क्या पॉजिटिव हैं, मतलब एक यदि पॉपुलेशन के ऊपर भी 100 डायमेंशन आ सकते हैं। तो सिलेबस क्या है ना, बहुत बड़ा है, किताब कुछ भी फिक्स नहीं है। आप किसी कोचिंग वाले के पास जाओगे वो कुछ और, मतलब आपको येलो बुक पकड़ा देगा, कोई रेड बुक पकड़ा देगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अथाह सिलेबस हो जाएगा और उसका रिवीजन नहीं कर पाते जितने भी लोग हैं। और रिवीजन कर पाते हैं ना तो सिस्टमेटिक रिवीजन नहीं होता। जैसे मैंने आज हिस्ट्री पढ़ ली, फिर मैं 4 महीने बाद हिस्ट्री पढ़ूंगा, तब तक पहले पढ़ा हुआ पूरा क्या हो जाएगा, गायब साफ हो जाएगा, फिर उसको पढ़ूंगा, फिर 4 महीने बाद दोबारा पढ़ूंगा, फिर साफ हो जाएगा। तो लोग एक इम्प्रॉपर रिविजन नहीं करते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, जो सुपर टैलेंटेड आदमी है ना वो भी बार बार एग्जाम के अंदर फेल होते रहते हैं। तो एक रिवीजन के ऊपर मेरा बहुत एकदम वो मतलब फोकस रहता था, दिन में 1-1.5 घंटा मैं जरूर रखता था रिवीजन के एक लिए। एक जो चीज मैंने आपकी नोटिस करी थी, जब आप हम लोग आंसर राइटिंग करते थे 2020 के मेंस के टाइम पे, आप हमेशा जब आप पढ़ रहे हो तो आप रिकॉल करते रहते थे कि यार ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और कौन सा पॉइंट आएगा। उससे आपकी रिकॉलिंग इतनी बेटर थी कि आप बहुत सारे पॉइंट जनरेट कर लेते थे मेंस के आंसर राइटिंग में। तो रिकॉल का कितना आपने यूज करा, कि मतलब नॉट जस्ट रिविजन, लेकिन आप बैठे हो पढ़ रहे हो तो आप सोच रहे हो कि यार इस चीज के बारे में मेरे को क्या क्या पता है, तो कौन कौन से पॉइंट मेरे को पता है। तो ये एक मैं एक इसकी एनालॉजी समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको पूरी साल है ना सामने दौड़ाऊं कि ना विकास तेरे को सामने दौड़ना है, सामने दौड़ना है, सामने, आप लगातार सामने दौड़ते जा रहे हो, और फिर जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन मैं बोलूँ आपको रिवर्स दौड़ना रिवर्स है, दौड़ना। तो आप कभी दौड़ ही नहीं पाओगे। तो आप खुद देख लो, हम इंसान मतलब एज ए जैसे इवोल्यूशन हुआ है, हमने हमेशा आगे चलना सीखा है। तो आगे यदि आप 10 किलोमीटर की रफ्तार से, मतलब 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकते हो, तो पीछे आप ना उसकी 1/6 रफ्तार पे भी नहीं दौड़ सकते। ठीक है, पैर वही है, पूरा शरीर वही है, लेकिन केवल हम सामने की तरफ दौड़ सकते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को डेवलप ही इसी तरीके से किया है। सेम होता है यूपीएससी की तैयारी में, हम लगातार क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, मतलब दिमाग के अंदर क्या होता है, इनपुट इनपुट इनपुट। तो दिन में 95% टाइम इनपुट लेते हैं, पूरी यूपीएससी की तैयारी में 95% इनपुट लेते हैं, और जिस दिन एग्जाम होता है उस ना दिन रिकॉल करके लिखना वो उस पड़ता दिन एग्जाम होता है आउटपुट है, का, आउटपुट मतलब का। आप अंदर से बाहर कितना निकाल सकते हो। तो आपने स्किल कौन सी डेवलप की, अंदर लेने की, और एग्जाम हो रहा है बाहर निकालने की स्किल का। इसलिए जो रिकॉलिंग वाला पार्ट है उसको मतलब डेली मतलब आपको मतलब करना चाहिए। तो कुछ जैसे टॉपर्स बताते हैं ना कि टेस्ट सीरीज लिखो, टेस्ट सीरीज का फायदा क्या होता है, रिकॉल है वही रिकॉल तो। होते हो। कुछ बोलते हैं कि जो मेंस के क्वेश्चन है उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लो, मतलब दिमाग में बैठे बैठे सोच लो, वो भी क्या है, रिकॉलिंग है। कुछ बोलते हैं कि ग्रुप डिस्कशन करो, वो भी क्या है, रिकॉलिंग है। तो मतलब जो जनरली मतलब जो भी मतलब हमारे ट्रेडिशनल, अब जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं उनको क्या होता है कि वो किसी न किसी रिकॉलिंग वाले मेथड में ना इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए उनका दिमाग उस तरीके से तैयार रहता है। लेकिन जो जनरली एक जगह बच्चा कोई पढ़ रहा है, और आजकल तो जैसे क्या है ना कि लाइब्रेरी कल्चर स्टार्ट हो गया, मैं उसके फेवर में हूँ, लेकिन लाइब्रेरी कल्चर में क्या होता है कि आदमी एकदम चुपचाप सारे दिन इनपुट 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 ही लेता जा रहा है, तो वो मतलब उसकी जो ब्रेन की जो आउटपुट की स्किल है ना उसको क्या कर देगा ना, बहुत रिड्यूस कर देगा, और फिर वो एग्जाम में उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि, और आप करते भी थे इस चीज को। और जैसे गौरव के साथ में ऐसा था कि जीएस मेन के जो मार्क्स थे, अगर मैं इनको जोड़ के देखूं तो ये 430 के ऊपर नंबर थे, 108, 114, 90, 115, ये मार्क्स इनके जीएस में थे। और ये 2020 के हिसाब से देखा जाए तो मतलब ये टॉप मार्क्स में से थे। और जीएस में जब ये आंसर लिखते थे हम लोग, जब लिखा करते थे, तो ई यूज टू प्रोड्यूस मतलब कभी कभी 20, 25, 30, 30 पॉइंट ये लिख देते थे 15 नंबर के आंसर में। और शायद उसमें कहीं ना कहीं इसी चीज का रोल रहा था कि जब आप अपने कमरे में बैठ के पढ़ते थे रादर की लाइब्रेरी में, तो आप कहीं ना कहीं उसको सोचते रह रहे हो कि अगर पॉपुलेशन पर क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या पॉइंट और लिखूंगा, क्या लिखूंगा। तो बिल्कुल, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको करते रहना है, मतलब कि जैसे मैं अभी बता रहा था कि जैसे कोई आपने चीज पढ़ी ना तो आप उसके बारे में सोचो, इसके बारे में यूपीएससी एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बना सकता है। मतलब आप यदि 3-4 महीने के लिए ना यूपीएससी एग्जामिनर के थॉट प्रोसेस से सोचने लग जाओगे ना तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आप जैसे मतलब छोटी सी चीज, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि जलदूत का एग्जाम्पल आया, जलदूत जैसे ही पढ़ा कि जलदूत एक वाटर अवेयरनेस करने के लिए आपको मतलब एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब इसको कोई भी बच्चा होगा जो बस केवल पढ़ने के लिए पढ़ रहा है तो क्या करेगा, उसको
GS3 के अंदर या मतलब जहाँ पे भी वाटर रिसोर्स वो पड़ा है उसमें सोचेगा हाँ कि ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। लेकिन इसका और भी ना मतलब ब्रॉडर हम मतलब कि देख सकते हैं कि इसको कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। जैसे सोशल अवेयरनेस है, पर्सुएशन है, जो अपने दोनों के दोनों मतलब कि टॉपिक अपने उसमें लिखे हुए इथिक्स हैं, इथिक्स में लिखे हुए हैं, वहाँ उसका अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट आता है जैसे सोशल अवेयरनेस, उसके अंदर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर जैसे कि गुड गवर्नेंस का पार्ट होता है कि ना, गुड गवर्नेंस में क्या होता है कि पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट मतलब लोगों को पार्टिसिपेट करवाना है, तो जल्दूत उसमें भी लिखा जा सकता है। मतलब एक एग्जाम्पल सिलेबस में कम से कम 5 से 10 जगह है ना मतलब आप लिख सकते हो। और आपका यदि ये कैंपेन बहुत ज़्यादा सफल होता है तो मानो कि ये आपकी ना इंटरनेशनल रिलेशन में आप सॉफ्ट पावर के अंदर भी दिखा सकते हो कि हमने किस तरीके से मतलब हमारे पास दुनिया में बहुत कम वाटर रिसोर्स है, फिर भी हमने इस कैंपेन के थ्रू मतलब किस तरीके से अपने आप को मतलब वाटर सफिशियंट कंट्री बनाया। तो मतलब एक एग्जाम्पल को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो ना, वो उसके आप लिए उसको आपको सोचते ब्रेन रहो। स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, और ये बहुत ही जरूरी बात है जो बहुत कम बात करी जाती है इसके बारे में, कि आप कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग पे इतना फोकस करो। रिवीजन, रिवीजन का भी एक बढ़िया मेथड है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, कि उसी को सोच के वो करना। तो उसी पे हम लोग भी फोकस करते हैं। साथ में एक बड़ा क्वेश्चन जो अभी आजकल सारे लोग पूछ रहे हैं, जब आपका इंटरव्यू लेने से पहले बहुत लोगों को बोला गया था कि आप क्या पूछना चाहते हो, तो एक एक मेन क्वेश्चन आया था कि जैसे आपके इंटरव्यू में आपने हिंदी में दिया था इंटरव्यू, आपका अभी अभी मेंस हुआ है, 25 सितंबर को खत्म हुआ है, उसके बाद में कुछ टाइम है आपके पास में, तो इस टाइम को जो जिन लोगों ने मेंस लिखा है, जो 12,000 12,500 लोग हैं, तो वो लोग किस तरह से इसको चलाएं, आपकी क्या अप्रोच है उसके ऊपर? मेरा ये था कि जब मैं मेंस का पेपर देके आया था तो उसके जस्ट बाद, हालांकि मेरा आरपीएससी में इंटरव्यू था तो मैं आरपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी करने लग गया था। लेकिन यदि किसी का इंटरव्यू नहीं है तो क्या करें, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने अपने मतलब कि उस पे जहाँ पे चैनल पे मैं गाइड करता हूँ उसमें मैंने सबसे पहले यही बताई थी कि आपका पेपर चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन सबसे पहले आपको आते ही अपनी गलतियाँ लिख लेनी है। जैसे मैं और केसर दोनों साथ में पेपर देके आते थे, माचरा जी भी साथ में थे, तो हमने उस दिन जब वहाँ से जो फोर्थ जो लास्ट का पेपर हुआ था ऑप्शनल का, उसके बाद जब आ रहे थे रास्ते के अंदर ही हमने ना मतलब हमारी मिस्टेक लिख ली थी कि ये गलतियाँ इस बार कर ली हैं, अगली बार ये गलतियाँ वापस से रिपीट नहीं करनी है। तो सबसे पहले अभी भी क्या ना कि जब हम पेपर देके आते हैं ना तब हम बहुत ज़्यादा अपने लिए क्रिटिकल होते हैं कि तेरे को ये भी कर लेना चाहिए था, वो भी कर लेना चाहिए था, तो उनको उस टाइम पे क्या कर लेना, लिख लेना चाहिए, तो आपको वो करना चाहिए। दूसरा, जो भी आपका कमजोर पार्ट रहा, जैसे मानो इथिक्स में आप कुछ नहीं पढ़ पाए, उसको अभी कवर कर लो। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो मैं बताता हूँ कि आपको ऑप्शनल अभी ना बहुत वापस से चाहे आपका क्लियर हो रहा हो ना तो भी उस ऑप्शनल की एक रीडिंग लगा के उसको एकदम परमानेंट है ना मतलब एकदम मतलब उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाओ। क्योंकि जैसे यदि आपका यूपीएससी का इंटरव्यू कॉल भी आया तो आप इंटरव्यू की तैयारी करने लग जाओगे, फिर ना इंटरव्यू का जैसा भी रिजल्ट आया आपके प्रीलिम्स जल्दी आ जाए, आप प्रीलिम्स की करने लग जाओगे, तो ऑप्शनल एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जो मतलब लिटरली ना छूट जाता है। तो जनरली जो लोग जैसे कि मतलब पहली बार 270 मारे तो उनका ना ऑप्शनल में स्कोर इंक्रीज नहीं हो पाता क्योंकि ऑप्शनल जनरली इग्नोर कर देते हैं लोग। तो मेरे मतलब ये सजेशन रहेगा, तब तक रिजल्ट नहीं आ रहा अपना ऑप्शनल को क्या कर लो, मजबूत कर लो। यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब तो वेल एंड गुड, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर भी आपसे ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव आता है तो भी आपका ऑप्शनल अगली बार के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो गौरव, एक एक जो सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा, कि आपकी आप जब तैयारी कर रहे थे, तो दो तरह की चीजें हैं, कि एक तो एक यूपीएससी कोचिंग्स अवेलेबल होती हैं जिनमें आप जीएस और ऑप्शनल कोचिंग करते हो, और एक होता है कि आप किसी को पर्सनली जानते हो, जो आपका कोई हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो, या कोई, जैसे आप आईआईटी से थे तो वहां पर कई सारे लोग हैं जो जो आपको गाइड करने के लिए होंगे, आपके सीनियर्स वगैरह। तो आपको क्या लगता है, इस पूरी तैयारी के अंदर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का ज्यादा रोल रहता है? क्योंकि आपको कोई तो दिशा दिखाने वाला होना चाहिए। YouTube पे वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो ब्रॉडर पिक्चर दिखाते हैं, ये बुक पढ़ लो, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली लग रहा है कि यार इसमें मेरे को टाइम लग गया ज्यादा, तो आप किससे जाके बात करोगे, या इस तरह की कोई चीज है? तो आपकी तैयारी के दौरान अगर किन चीजों ने ज्यादा रोल निभाया आपकी सक्सेस के अंदर? तो देखो ये देखो, जो कोचिंग है वो आपको मटेरियल दे सकती है, वो कोचिंग आपको एक दिशा दिखा सकती है। लेकिन यदि सोचो कोचिंग से सिलेक्शन होता तो कम से कम हर साल 2-4 लाख लोग तो कोचिंग ले रहे हैं, कोई दिल्ली में ले रहा है, कोई हैदराबाद में, कोई चेन्नई में ले रहा है, तो फिर तो सभी का सिलेक्शन हो जाना चाहिए था।
और इवन एक बात और सोचो कि जो आईआईटी का टॉपर है, यानी आईआईटी में टॉप 50-60 रैंक है, दिमाग है उसके पास, वो एक मानो XYZ कोचिंग में गया जिससे टॉपर निकलते हैं, मतलब उनके पास दिशा ठीक है, वो टॉपर उसी कोचिंग में जाके सेलेक्ट क्यों नहीं होता? मतलब कि दिशा भी है, टैलेंट भी है, फिर दोनों एक साथ मिक्स हो गए, क्यों सेलेक्ट नहीं होते? इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी कोचिंग के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करना गलत है, और मैं ये कहता हूँ किसी कोचिंग के विश्वास नहीं करना भी गलत है। मतलब जनरली जो भी एग्जामिनर यदि आपका पेपर बनाएगा तो वो कभी कोचिंग के नोट्स लेके नहीं आएगा, वो हमेशा क्या करेगा, जो ट्रेडिशनल जो सोर्सेज है अपने, जैसे मैं हिस्ट्री का यदि पेपर बनाने वाला हूँ तो हिस्ट्री की जो ट्रेडिशनल किताबें हैं वहां से मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, रेदर देन मैं किसी भी XYZ कोचिंग के नोट्स उठा के लाऊंगा। तो सबसे पहले आदमी को अपनी जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं उनको पूरा करना चाहिए, उसके बाद भी उसको लगता है तैयारी के अंदर गैप है तो वो आप किसी कोचिंग का मटेरियल ले लो। वो भी मैं तो ऐसे सेलेक्ट करता था, यदि एक मटेरियल इसका अच्छा है तो उसका उठा लिया, यदि दूसरा टॉपिक उसका अच्छा है तो उसका उठा लिया, मतलब लगभग सब कोचिंगों से एक एक दो दो टॉपिक उठा के वैसे कर लेता। रही बात गाइडेंस की, तो गाइडेंस में ये है कि जैसे मेरे को पर्सनली जैसे माचरा जी थे और जो कलीग्स थे, तो कलीग्स में जैसे सभी लोग जैसे 5-7 लोग हम जो तैयारी करते थे उसमें जो भी गाइडेंस दे रहा है कि यार तेरे को एंसर राइटिंग में ये कर लेना चाहिए, तो मैं उसको मतलब एज ए एक्सेप्ट कर लेता था कि इसने ये बोला है कि ये कर लेना चाहिए। यदि मैं उसको कैलिब्रेट कर पाता हूँ, जैसे मैं आज आपको बोलूँ कि आप पॉइंट फॉर्म में आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दो, फैक्ट बेसिस से आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दो, तो हो सकता है वो आपका मतलब कि डोमेन एरिया ना हो जिसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो, लेकिन यदि वो मेरा डोमेन एरिया है या फिर मेरे को लगता है ये चीज़ मैं अडोप्ट कर सकता हूँ, तो मैं मेरे साथियों से ले लेता था। और कुछ जैसे सिलेक्टेड ऑफिसर्स थे, रामनिवास सर थे, निधि मैम थे, और बाकी तो उनसे ना टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहती थी कि अभी आपको थोड़ा और जल्दी पढ़ लेना चाहिए, अभी आपको ना इसमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए, या ये बुक भी आप रेफर कर सकते हो, या इस तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो सब लोगों का एक मिला जुला एफर्ट है ना, उस वो एक सक्सेस का एक मतलब एक फेस बन जाता है। जैसे मैं मतलब मानो कि रैंक आ गई, लेकिन उसके पीछे ना मतलब कि कितने ही लोगों का एफर्ट है, कितने लोगों ने जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी बातें बोली होंगी, तो उन सब का एक ना मतलब रोल रहता है। और स्पेशली मतलब जो आपके सीनियर्स गाइड करते हैं तो वो एक सबसे स्पेशल रोल रहता है, क्योंकि वो आपको पर्सनली जानते हैं। अब जैसे वन साइज फिट ऑल वाला कंसेप्ट नहीं चल सकता। अब जैसे मेरे को आप बोलो कि यार मतलब कि मेरे लिए एक मतलब कि टी शर्ट लेके आना, तो मैं पूछूंगा ना भाई कौन सी साइज की टी शर्ट लेके आऊँ? तो कोचिंग्स में जनरली क्या होता है ना, एक वन साइज फिट ऑल मतलब यही टी शर्ट पहनेंगे सारे के सारे सारे, लोग चाहे पतला हो मोटा हो। तो वो वाला थोड़ा सा मतलब है कि यदि किसी आदमी की इकोनॉमिक्स कमजोर है तो उसको इकोनॉमिक्स के 30 घंटे की जगह 60 घंटे में पढ़ाओ, किसी की पॉलिटी मजबूत है तो उसके 60 घंटे खराब नहीं करने के बजाय 20 घंटे में पढ़ाओ। तो हमेशा थोड़ा पर्सनलाइज और कस्टमाइज होना चाहिए आपका प्लान। तो गौरव यार, जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू, सीएससी टॉपर के थ्रू, तो सीएससी टॉपर इसलिए नाम रखा कि यार हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ टॉपर्स तो हैं। जैसे आप तो पूरे एग्जाम के टॉपर हो, लेकिन क्योंकि आप सर्विस में हो तो आप हो सकता है कि इतना एक्टिवली टाइम नहीं दे पाओ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने GS 1 में बहुत अच्छा स्कोर किया, वो कुछ तो बता सकते हैं लोगों को। कई लोगों के पास में वो है कि वो ऐसी जगहों से तैयारी कर रहे हैं जिनके पास सीनियर्स का और इन लोगों का एक्सेस नहीं है। तो आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं कि अगर इस तरह का कुछ सिस्टम बना पाए हम, जहां पर लोगों को रिस्पॉन्सिबली कनेक्ट कर पाए ऐसे लोगों से जो ऑलरेडी उस चीज के अंदर एक्सपीरियंस है, जैसे आपको भी, जैसे रामनिवास सरकार को एक तरह से उनका गाइडेंस मिला, वैलिडेशन मिला आपको जो कर रहे हो। अगर उन्होंने बोला तो आपको लगा कि हाँ सर इन्होंने बोला तो ठीक है, क्योंकि इनकी खुद की रंगा रखी है। आप अगर अब किसी को बोलते हो, जैसे आप भी कुछ लोगों को पर्सनली गाइड करते हो क्योंकि आपके वो एक तरह से फ्रेंड्स हैं या आपके दोस्त हैं, तो उनसे उनको वैलिडेशन मिलता है आपसे कि आपकी रंगा रखी, आप अगर बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा ठीक है तो वो सही हो सकता है। तो आपका इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में क्या करना है कि अगर आप कोई एक्सपीरियंस बंदे को हम किसी बिगिनर से जोड़ पाए किसी तरह से, क्योंकि डिजिटल जमाना है तो उसमें वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो सकती है। हाँ, ये मतलब बहुत बढ़िया मतलब वो सिस्टम है। देखो जनरली जब तैयारी करते हैं ना, चाहे कितना भी एकदम जिसके अगले साल रैंक आने वाली है ना, उसको भी आज के टाइम पे बिल्कुल नहीं पता कि उसकी रैंक आने वाली है। दूसरा जो भी वो चीज़ कर रहा है ना उसमें उसको डाउट जरूर आएगा। जैसे मैंने मतलब हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ ना, तो भी डाउट आएगा कि क्या इससे क्वेश्चन आएगा इस साल, नहीं आएगा। तो डाउट है ना आपको ना पूरी तैयारी में आते रहते हैं। और मतलब इंडिया में तो जैसे बोलते हैं ना कि यदि आप में विश्वास है ना तो जो पत्थर भी है ना भगवान बन जाता है। तो आपको यदि विश्वास हो गया ना अपनी तैयारी में तो आप टॉप मारोगे। तो अब वो विश्वास आएगा कहाँ से? वो विश्वास जब ही आएगा जो उस रास्ते में आगे निकल चुका है वो बताए कि हाँ ये रास्ता
सही है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप जैसे मतलब मानो कि कोई प्रीलिम्स का टॉपर है, तो वो प्रीलिम्स के लिए बढ़िया गाइड कर सकता है कि हाँ मतलब आप इस तरीके से करो। कोई हो सकता है ऐसे अच्छा लिखने वाला है, जैसे मेरे ऐसे में नॉर्मल मार्क्स थे, लेकिन कई लोग ऐसे बहुत बढ़िया लिखते हैं, तो उनको मैं रेदर देन मैं गाइड करने के बजाय मैं उनको ये बताता हूँ कि आप उस बंदे से पूछो जिसके ऐसे में अच्छे नंबर आए हुए हैं। अब जैसे कि मैंने एंथ्रो में अच्छा किया है, तो मैं एंथ्रो का गाइड कर देता हूँ, लेकिन GS3 में मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो जिसके GS3 में अच्छे नंबर आए हैं उससे गाइड लेना चाहिए। क्योंकि आप सब लोग अलग अलग प्रकार की टेक्निक अपनाते हो, और वो टेक्निक उस साल के एग्जाम में कौन से पेपर में सक्सेसफुल हो जाए, कौन से में सक्सेसफुल ना हो, वो डिपेंड करती है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, क्योंकि आप इसमें चूज करते हो मतलब जो कि आपने यार बोला कि मेरे वन को साइज फिट ऑल ये, अप्रोच। हाँ ये साइज है, ये यहाँ से सीखना है, ये यहाँ से सीखना है। फिर जैसे कि कुछ टॉपर्स भी आपके चैनल्स पे मतलब वो आए हैं, तो वो ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट बता सकते हैं। जैसे मतलब ये भी एक जरूरी है, मतलब जैसे GS1 का टॉपर है वो आपको GS1 का टॉपर तो बना सकता है, लेकिन लेकिन ओवरऑल आपको ओवरऑल टॉपर बनना है तो टाइम मैनेजमेंट वाला जरूरी है। और दूसरा है कि मतलब किसी भी तरीके से गाइडेंस से मतलब कि इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मुझे अभी बताया मैंने, मतलब मेरे 5 दोस्त RAs की तैयारी कर रहे थे, तो 5 के 5 का इंटरव्यू कॉल हुआ है। तो मतलब कि उनका कॉल के, क्योंकि उनको जैसे पता है कि यार ये चीज़ ऐसे ऐसे कर लेनी चाहिए, तो शायद वो काम की हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो काम कर गई हो, लेकिन वो शायद वो काम की हो। जैसे इस बार RAs के रिजल्ट के ऊपर इतनी मतलब घमासान चल रही है कि हमारे टॉपर सेलेक्ट नहीं हुए, बड़ी बड़ी कोचिंगों के जो टॉप रैंकर थे वो सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन मुझे उन 5ों पे था कि ये 5 के 5 लोग क्लियर करेंगे। और वैसे आप जानते हो ढाका के सर सब लोगों ने ना मतलब कि वो 5ों ने क्लियर किया है, और अभी UPSC में भी जैसे 4-5 लोग कर रहे थे, तो उनका रिजल्ट आएगा तो वो चीज़ एक बार और प्रूव हो जाएगी कि मतलब यदि आपकी थोड़ा कोई हैंड होल्डिंग कर दे तो मतलब आप बेटर परफॉर्म करते हो एग्जाम में। एक गौरव आपने अभी बात करी RAs के ऊपर जो घमासान मचा हुआ है कि कौन लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वगैरह वगैरह, तो यार आपसे बहुत ज़्यादा लोग हमारे चैनल पे आके भी सवाल पूछते हैं कि आपके मित्र से पूछो कि RAs के बारे में क्या क्या किया था, नोट शेयर करो, क्या क्या लिखा था, IAS में उनके आंसर शीट्स कहाँ हैं, एक दो तो मेरे रूम पे पड़ी हुई हैं, तो वो शेयर करो, एंथ्रो की कहाँ से एंथ्रो के आंसर शीट्स हैं एक आधी शेयर कर दो। अभी बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपने कहाँ से लिखा था, कि आपका आपका पहला अटेम्प्ट था, तो ऑब्वियसली लोगों को बहुत एक्साइटिंग लगता है, बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लगता है कि आपने लिखा कैसे था। जैसे मेरे पास कल ही एक जने का क्वेश्चन आया था कि एंथ्रो में जब टेस्ट लिखे थे तो पहली दूसरी बार में नंबर कितने आए थे, तो वो बात बताओ इस तरह की, जिससे तो लोगों को ये, लगे कि अच्छा। हाँ ये एकदम नॉर्मल है कि जब मैंने पहले आंसर लिखे थे ना, तो वो एकदम वही आते, 2 नंबर जैसे आंसर नहीं थे, और वो कुछ कुछ कॉपियाँ मतलब कि किसी से चेक करवाई थी, तो वो कोई प्लेटफॉर्म पे आ गई थी। एक्चुअली मेरी कॉपी प्लेटफॉर्म पे नहीं आने का एक कारण है कि मैं ज़्यादातर तो आंसर डेली आंसर राइटिंग करता था। आपको तो पता ही है, हम वो रोज करके विजन की टेस्ट सीरीज प्रिंट करवा के लाते थे और उसको रूम पे ऊपर ही ज़्यादा लिखते थे। और दूसरा जो चेकिंग करवाता था, मैं आपस में ही ज़्यादा चेकिंग करा लेता था पीयर ग्रुप के अंदर ही। और वो फिर कॉपीज क्या है ना, सिलेक्शन के बाद सब लोगों ने मेरे से मतलब मांग ली कि आपकी एक दो कॉपी दे दो, तो वो कॉपी सारी चली गई, मैं उनको स्कैन वगैरह है ना मैं कर नहीं पाया। और वो हम जैसे करेंगे अभी स्कैन एक एक करके हाँ, इकट्ठा करके, एक दो मेरे पे और पड़ी है, जो दो डेली तीन। आंसर राइटिंग की मेरी बहुत सारी शीट्स वगैरह है वो मैं अपलोड कर दूंगा। और एंथ्रोपोलॉजी का भी मैंने मतलब कि 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह लिखे थे, तो मैं क्या था कि अकेडमी चला गया था, और अकेडमी में मेरा मेडिकल का इशू था, तो मैंने मतलब जल्दबाजी में ज्वाइन किया था, तो मेरे नोट्स वगैरह थे वो इधर उधर हो गए थे। तो अभी जैसे ही आएगा तो मैं उनको क्या कि स्कैन करके ना मतलब अपलोड करता रहूंगा कि आप इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से आप ये कर सकते हो, तो वो सब हो जाएगा। RAs के बारे में हम करेंगे बात, लेकिन उससे हाँ पहले एक एक आधी चीज़ें जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। टेम्पलेट्स का एक एक तरीका होता है GS के आंसर्स लिखने का, तो आप टेम्पलेट्स को काफ़ी अच्छे से समझते थे कि भाई अगर इस तरह की केस स्टडी आई थी, जैसे हम लोग बैठ के बनाते भी थे कि अगर DC का केस स्टडी आ रखी है तो उसमें कैसे करना है, अगर तुम DSP हो तो कैसे करना है, अगर तुम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो कैसे करना है, तो टेम्पलेट्स को किस तरह से यूज़ किया आपने, मतलब एग्जाम में मीन्स के आंसर राइटिंग में। ये बिल्कुल, आपको आंसर राइटिंग में यदि आप ये सोचो, देखो दो चीज़ तो है, यदि आप सोचो कि आंसर परफेक्ट लिखना है, तो मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, आप नहीं लिख सकते। क्योंकि आप बताओ 7 मिनट के अंदर, जैसे मतलब कि हमें ऐसे बोल देते हैं कि मतलब इसका ना फ्यूचर में है ना क्या क्या होगा, और करने उसी टॉपिक के ऊपर पॉलिसी बना रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जहाँ पे सेक्रेटरी जैसे 10-10 लोग ना ब्रेन खपा रहे हैं,
2 साल तक कोई कमिटी बैठती है, फिर वो अपनी ना डिसीजन मेकिंग मतलब बताती है, और आपसे 7 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप एकदम रुकी लेवल के ऊपर हो, फिर आपसे एक्सपेक्ट बेस्ट आंसर वो करते भी नहीं, आपसे वो करते हैं कि आपको जितना नॉलेज है उसमें आप ना मतलब किस तरीके से प्रेजेंट आप ना उसको कर पा रहे हो। तो इसमें हमेशा ना मेरा मतलब ये रहता था क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लो, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर लो। अब जैसे जनरली एक दिक्कत होती है, जैसे मैंने आपको एक IR का क्वेश्चन दिया, ठीक है, IR का क्वेश्चन दिया, इंडिया और जापान के बीच में जैसे बायलेटरल रिलेशन है उनमें क्या कमी है, क्या चैलेंजेस है, क्या फ्यूचर फॉरवर्ड है, तो आप उस क्वेश्चन को क्या करते हो ना, जज करते हो कि ये ओवरऑल क्वेश्चन था, उसमें 4 में से आपने मतलब 10 में से 4 मार्क्स दे दिए। अब लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि क्या इम्प्रूव है। अब मैं क्या करता था, जैसे मेरा फिक्स था IR का क्वेश्चन आती मैं हमेशा टीप दोस्त पे लिखता था। अब ये टीप दोस्त क्या है, T4 में सोचता था कि कोई ट्रांसपोर्ट हो, मतलब कि कोई ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना हुआ हो या कुछ आपस में मतलब वो कर रहे हो, कोई टूरिज्म वगैरह का हो, वो T4 सोचता था मैं। E4 है ना मैं इन्वायरमेंट और एनर्जी सोचता था, फिर वापस से E4 है ना मैं इकोनॉमिकल जो रिलेशन है वो सोचता था, P4 है ना मैं फिर पॉलिटिकल सोचता था, फिर D4 है ना मैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक सोचता था, O4 है ना जैसे ही अदर रिलेशन होते हैं, जैसे मतलब किसी मुद्दे के ऊपर आप एक दूसरे के सामने कैसे खड़े हो, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कैसे खड़े हो, जैसे ग्लोबल ट्रेड के ऊपर आप एक दूसरे के सामने कैसे खड़े हो, मतलब ह्यूमन राइट्स को लेकर कैसे खड़े हो, वो उस चीज में मैं उधर सोच लेता था। ऐसे ना मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मतलब एस मेरा सॉफ्ट पावर से रिलेटेड रहता था कि आपकी सॉफ्ट पावर होती है, क्लोथ को आपको कितना एक्सेप्टेंस है, कल्चर को कितना है, वो सारा T4 है ना मेरा रहता था टेक्नोलॉजी का, कि मतलब साइंस टेक में हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में, बायोटेक में, नैनो टेक में, स्पेस टेक में, इनमें सब में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, इन सब में हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो अब ये हो गया मेरा टेम्पलेट, जैसे मैंने 8 ब्रॉडर टेम्पलेट बना लिए, 8 के अंदर मैंने सब है मतलब जैसे इकोनॉमिक करना है तो इकोनॉमिक के मेरे सब हेडर थे, मतलब 5, मतलब कि आपको ट्रेड के ऊपर बात करनी है, कौन सा वो फॉरम शेयर करने है उसके ऊपर बात करनी है, कोई डेफिसिट वगैरह है उसकी बात करनी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह है उसके ऊपर बात करनी है, क्या गुड्स लेते हैं, क्या गुड्स देते हैं, वो किस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उनके ऊपर बात करनी है। ये मेरे क्या हो गए, 5 मिनी टेम्पलेट्स हो गए। अब जैसे ही कोई क्वेश्चन आया, अब कोचिंग वाला तो मुझे जज करके दे देगा 10 में से 4 नंबर, अब मुझे क्या पता कि अब इसमें क्या इंप्रूव करूँ, तो मैं मेरे टेम्पलेट के ऊपर जज करता था कि इंडिया जापान का क्वेश्चन आया वो सारी तो टेम्पलेट गई कि नहीं गई हाँ, उसमें। तो क्या ट्रांसपोर्ट आया, जैसे इंडिया अफ्रीका कॉरिडोर इंडिया जापान ने मिलके बनाया था, तो वो T4 आया तो मेरा T done, फिर E4 एनर्जी, एनर्जी और इन्वायरमेंट, एनर्जी और इन्वायरमेंट के अंदर यदि मैंने कोई भी टॉपिक नहीं लिखा तो मेरे को लगता था ये टेम्पलेट मिस है, और वो मैं किसी कोचिंग के नोट्स में पढ़ता मेरे को लगता वहां से भी मिस है, तो मैं उसको गूगल पे सर्च करता कि इंडिया जापान मतलब कि पार्टनरशिप इन द सेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट, इन द सेक्टर ऑफ एनर्जी, इन द सेक्टर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तीनों मतलब एक साथ लेके चलता था मैं, तो फिर पता चलता कि डिजास्टर मैनेजमेंट में ना हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बहुत कोलेबरेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, तो वो पॉइंट ना मैं उठा लेता था। तो कोचिंग वाला जो भी आपकी एंसर शीट चेक करेगा ना वो आपको ये चीज नहीं बता पाएगा क्योंकि उसको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता यदि कि उसके उसको पता मॉडल ही आंसर में होता, नहीं। हाँ उसको पता ही नहीं होता तो वो ऑलरेडी मतलब कि वो सिलेक्ट हो चुका था। तो इसी तरीके से मैं टेम्पलेट के ऊपर है ना अपने क्वेश्चंस को जज करता था, क्या मेरे क्वेश्चन के अंदर ये डायमेंशन आ गई, ये डायमेंशन आ गई तो टिक, यदि नहीं आई है तो मैं उसको गूगल कर लेता था। तो इससे क्या होता था ना कि आपका जो भी क्वेश्चन एक बार आपने अटेंड कर लिया ना उस क्वेश्चन को, और उसको यदि आपने गूगल कर लिया तो वो आपका हमेशा के लिए रेडी रहता था। अब एग्जाम के अंदर जैसा भी आता, एग्जाम में क्या होता है बहुत जल्दी बहुत प्रेशर में आपको लिखना होता है, तो जनरली जो चीजें आप जानते हो वही मैं जानता हूँ, तभी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद है ना नॉलेज लेवल पे आप ना बहुत ज्यादा डिफरेंस एक दूसरे से रखते नहीं हो, लेकिन उतने कम टाइम के अंदर क्या होता है आप 2, 4, 5, 10 डायमेंशन क्या कर जाते हो, भूल जाते हो। लेकिन मैं एकदम ऐसे फिक्स तरीके से डायमेंशन रखता था ना तो मुझे याद होता था कि कौन से के ऊपर है ना मतलब कि वो बंद मतलब कि कौन सा टॉपिक मैं छोड़ दिया, कौन सा टॉपिक मैंने लिख दिया। तो यार ये चीज तो हमने देखी भी थी आपकी, कि क्योंकि आप इतने पॉइंट्स जनरेट इसीलिए कर पाते थे कि ऑलरेडी आपके दिमाग में वो टेम्पलेट्स हैं, उन वो एक तरह से प्रोग्रामिंग की तरह निकल के आ रही है कि ये टिक हो गई ये टिक हो गई, उसके चक्कर में जल्दी जल्दी आप पॉइंट उसमें निकाल पाते थे। तो एक एक गौरव यार, आपने पहला अटेम्प्ट दिया था 2020 का, एंथ्रो आपने सब्जेक्ट लिया था, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था उसमें, RAS की भी आपने तैयारी करी थी लेकिन उसमें भी एंथ्रो का तो ऐसा कुछ था नहीं, और आपने बहुत रिकॉर्ड टाइम में 295 नंबर आप लेके आए। पेपर 1 में आपके मेरे ख्याल से 160 158 160 नंबर थे आपके, जो कि मुश्किल स्कोर, मुश्किल होता है पेपर 1 में स्कोर करना। पेपर 2 में भी आपके बढ़िया ही मार्क्स थे, ऑल्दो उसके कंपैरिजन में कम थे, 136 मार्क्स थे,
और आपने 295 स्कोर करे, क्या किया था ऐसा कि मतलब पहले अटेम्प्ट में बहुत ही कम टाइम में भी, शायद मेरे ख्याल से अक्टूबर वगैरह से आपने शायद शुरू करा था एंथ्रो करना, और कैसे लिया था उस पूरे, क्या माइंडसेट था, किस तरह से उसको लिया था, किस तरह से गाइडेड रहे आप, या क्या चीज रही उसमें? तो एक तो उसमें ये था कि उस टाइम 2021 में शायद वन ऑफ द लोएस्ट सीट आई थी, मतलब कि बहुत कम सीट मतलब उस टाइम पे आई थी। और मेरा मतलब कि जैसे मैंने कोर्स जब ज्वाइन किया था सर के पास, तो मैंने 12th of November से स्टार्ट हुआ था, तो मेरे पास जून के लिए बहुत ही कम समय था, तो उस कारण और सीट भी बड़ी कम थी। तो जैसे पहले क्या होता था ना, वन डे के अंदर भी 250-240 के आसपास स्कोर बनता था, लेकिन जब से T20 स्टार्ट हुआ है तो 240 वगैरह T20 में बढ़ जाता है। वो है आपके ऊपर कितना प्रेशर जनरेट कर पाते हो और उस प्रेशर के अंडर में आप अंडर प्रेशर कितनी स्टडी कर पाते हो। तो मेरे को हर टाइम बस यही लगता था कि मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम है ही नहीं मेरे को ज़्यादा एफर्ट डालने। तो वो चीज़ क्या थी ना, एक एफर्ट डालने की ना कोशिश थी। फिर लेकिन आप कितना भी एफर्ट डालो, लेकिन आप 6 महीने के अंदर 8 महीनों की तैयारी कर लोगे, लेकिन 6 महीने में आप 10 महीनों की तैयारी करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करता था, टॉपिक को एक साथ क्लब कर लेता था। क्लब करने का सेंस है जैसे कि एंथ्रो का स्पेसिफिक एग्जांपल बताऊं तो पेपर वन के अंदर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, पेपर टू के अंदर कास्ट स्ट्रक्चर है, ट्राइबल्स के अंदर जो मोइटीज के अंदर डिवाइड होते हैं, ये तीनों टॉपिक का नेचर सेम है। तो मैं इन तीनों टॉपिक को एक साथ क्लब कर लेता था, तो इससे क्या होता था, मेरा टाइम भी बच जाता था, दिमाग के ऊपर भी लोड नहीं आता था। जीएस के अंदर पढ़ना है तो जैसे प्रेशर ग्रुप हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया, एनजीओ हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, इन सब का नेचर सेम है। देख लो आप, जैसे इनका यदि किसी का बेनिफिट लिखना हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप का बेनिफिट क्या होगा, इम्पावरमेंट होती है। प्रेशर ग्रुप से क्या होती है, इम्पावरमेंट। सिविल सोसाइटी क्या होती है, इम्पावरमेंट। एनजीओ से क्या होती है, इम्पावरमेंट। फिर इनसे होता है कि जो वो जो ऐसा तबका है जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता उसकी आवाज़ उठती है, उनका डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन मिलता है, ट्रू डेमोक्रेसी निकल के आती है, ये सभी के अंदर अलाउड होगा। फिर उसके अंदर आता है कि जो गवर्नमेंट जहाँ पे ना डेवलपमेंटल गैप छोड़ देती है ये उसको एड्रेस करते हैं, वो सभी के अंदर आता है। तो इस तरीके से जब क्लब कर लेते हो ना आप टॉपिक्स को, तो आप ना मिनिमम टाइम में क्या कर पाते हो ना, मैक्सिमम वो कर पाते हो। तो ये मतलब मैं पहले ऐसा नहीं करता था, लेकिन समय कम था, तो करना भी करना ही ज़्यादा पड़ेगा। था, तो वो एक मजबूरी थी कि मतलब उसको क्लब कर लेता था मैं चीज़ों को। और उससे जैसे एक हमेशा यूपीएससी में बोलते हैं कि इंटरकनेक्ट करके रखो पेपर, GS1 में GS2 के भी पॉइंट लिखो, GS2 में GS3 के भी लिखो। तो इस तरीके से यदि आप क्लब करते हो ना, एक्चुअली क्लब एक करने जो चीज है कि आपने इंटरव्यू हिंदी में दिया था, वो काफी वायरल भी होता है आपका इंटरव्यू, विकास देवकीर्ति वाला जो जो होता है वो, तो आपका मीडियम इंग्लिश था, आपने इंटरव्यू हिंदी में दिया, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश में लिखना आता है लेकिन बोलना नहीं आता, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? आपके 173 मार्क्स आए थे, अच्छे मार्क्स थे, तो क्या एडवाइस देंगे आप जैसे इंटरव्यू, क्योंकि आएगा अभी जिन लोगों ने मेंस दिया उनका? तो इसमें मेरा क्या था कि यार, मेरा पहले से मीडियम में ना बड़ी गड़बड़ चल रही थी कि मतलब मैंने इनिशियल एजुकेशन हिंदी मीडियम में की, फिर 2 साल के लिए इंग्लिश मीडियम में आया, फिर जो कोचिंग वाले में इंग्लिश हिंदी मीडियम साथ में चलता था, फिर BTech इंग्लिश में हो गया, फिर MA हिंदी में हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारा सिस्टम मिक्स था। तो मैं मतलब इंग्लिश में ना मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं था कि आराम से अपनी थॉट प्रोसेस को ना मैं बता पाऊँ। तो RS के अंदर जनरली क्या होता है कि इंटरव्यू हिंदी के अंदर ही जनरली लेते हैं, इंग्लिश के अंदर होता नहीं है। तो मैंने RS के अंदर जब हिंदी में इंटरव्यू दिया था तो उसमें मेरे 82 मार्क्स आए थे, जो मतलब हाइएस्ट मार्क्स थे यहाँ पे। तो ये मुझे फिर फील हुआ कि मैं अपने जो थॉट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से हिंदी में रख सकता हूँ, क्योंकि मैं लगातार मतलब बचपन से हिंदी बोलता आया हूँ। तो जैसे मेरी एजुकेशन कोई बहुत हाई फाई स्कूल से तो है नहीं कि मैं इंग्लिश में थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया बता दूँ। फिर दूसरा ये है कि इंग्लिश में मैं कन्वे कर सकता हूँ, कन्विंस नहीं कर सकता, समझ रहे हो। जैसे आपने मेरे से पूछा कि इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप्स के बारे में आप कुछ मतलब बताओ, तो मैं जैसा मेंस के अंदर लिख रहा हूँ ना उसको तो बोल दूंगा इंडिया हैज बायलेटरल रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन विद रशिया, ये। लेकिन जो भाव है वो कन्वे नहीं होगा मेरा, क्योंकि मैं मेंस वाला जो जैसा है ना वो वैसा वैसा कह दूंगा। लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है, आपको कई बार इमोशंस भी दिखाने पड़ते हैं, टोन अप डाउन भी करना पड़ता है। तो वो सारी चीज मुझे लगा कि मैं हिंदी के अंदर कंफर्टेबल हूँ, मेरे मार्क्स उस टाइम पे एवरेज आए थे, लेकिन मतलब उसमें मेरा लैंग्वेज का कोई रोल नहीं था। मेरे घर पे मतलब ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो गई थी, उस वजह से मैं इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर पाया था, और इंटरव्यू मेरा मतलब बहुत ही बिलो एवरेज इंटरव्यू गया था, जिसमें मैं 173 एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। लेकिन वो था कि बेसिक्स में कोई गलती नहीं की थी मैंने। मतलब हमेशा UPSC इंटरव्यू के लिए यही बात बोलते हैं, यदि आपको नंबर 170 से नीचे मिल रहे हैं ना,
इसका मतलब है कि उनको लग रहा है कि आप इस पोस्ट के काबिल ही नहीं हो। ठीक है, नॉलेज कम होने से, क्योंकि मैं 3 महीने तक पढ़ नहीं पाया था, केवल 10 दिन की तैयारी करके मैं इंटरव्यू देने चला गया था, तो मेरा मतलब मैं उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा था। लेकिन जो बेसिक चीज़ होती है, जब नहीं आ रहा था, मैंने लगातार 5-6 क्वेश्चनों में सॉरी सर इस विषय में मैं पढ़ के नहीं आ पाया, सॉरी सर इस विषय में मैं नहीं पढ़ा, सॉरी सर इस विषय में इतना ही जानता हूँ, तो वो क्या था ना, ऑनेस्टी के साथ जो भी चीज़ थी ना उसको प्रेजेंट किया ना, तो उन्होंने ना मतलब कि 173 उस टाइम पे एक मतलब मॉडरेट मार्क्स थे वो दिए। तो मेरा मतलब जो इंटरव्यू देने वाले जो भी लोग हैं उनको यही है कि एक थोड़ा सा ना मतलब आपके सॉफ्ट स्पोकन होना है, बहुत प्यार से बातें बोलनी है, दूसरा जैसा है वैसा बता देना है। मतलब कई बार क्या होता है ना कि कई चीज़ें हमारे अंदर नेगेटिव होती हैं, लेकिन यदि हम उन नेगेटिव चीज़ों को मतलब बताएं, मतलब ऐसे मतलब आप जैसे मतलब आप ऐसे तो बोल नहीं सकते कि सर मैं तो बहुत आलसी हूँ, काम ही नहीं करना चाहता, मतलब चाहे आप हो तो भी ये चीज़ नहीं बोल सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है मॉडरेट, वो उन्हें भी पता है, उन्होंने हजारों लोगों का इंटरव्यू ले लिया, उनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, उनको ब्लफ करने का कोई सेंस ही नहीं है। आप सोच के देखो, आपसे पूछेंगे हेल्थ पॉलिसी के अंदर ना क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो मेंस के अंदर तो आप ब्लफ कर दो, लेकिन इंटरव्यू के अंदर 5 लोग बैठे हैं, हो सकता है वो पॉलिसी उन्हीं में से किसी ने बनाई हो, तो आप ब्लफ कर बिल्कुल भी नहीं करो। आप लगातार भी जैसे मैं मेरे मेरे को तो अभी इंटरव्यू का ना मतलब ऐसे याद करूँ ना क्या हुआ था, तो सॉरी 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 याद आता है। तो मतलब इतना सॉरी बोलने के बाद भी 173, कुछ लोग आते हैं बाहर कि मैं सब कुछ बोल के आया हूँ फिर भी 140। तो मतलब कि कुछ जो आपकी नॉर्मल स्किल्स हैं, कन्वे करने की स्किल्स हैं, उन पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और हिंदी और इंग्लिश का ना बिल्कुल भी रोल फर्क है। नहीं पड़ता। ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है 5-10 नंबर का फर्क पड़ता हो, क्योंकि हमारी अभी भी क्या है ना कॉलोनियल मेंटेलिटी है, जो इंग्लिश बोलता है हम उसको सुपीरियर समझते हैं, और उस मेंटेलिटी से कोई भी बाहर नहीं है। जनरली आप ही मतलब मेरे मैं दूसरों का नहीं बता रहा, मैं खुद का बता रहा हूँ, मेरे सामने आके 2 लोग एक इंग्लिश में बात कर रहे हैं हिंदी में, तो मेरा पहला परसेप्शन ऐसा ही जाता है कि जो इंग्लिश वाला है वो मतलब ज़्यादा नॉलेजेबल है। और क्या होता है ना, इंग्लिश वालों को ना मतलब जो बढ़िया स्कूल से पढ़े हुए होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, और उनको ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों की स्किल्स की ना मतलब अच्छे से उनको ट्रेंड होते हैं। जैसे वो कोई भी गलती होता है ना तो उसमें ना सॉरी सर वो बोलते हैं, और हिंदी में मतलब क्षमा कीजिए श्रीमान ऐसा बोलना मतलब कि कॉमन नहीं है। पॉसिबल होता भी नहीं है। और हमारे वो मतलब बेसिक स्किल्स क्या होते हैं ना थोड़े से कमज़ोर होते हैं, उसकी वजह से 15-10-15 नंबर का फर्क पड़ सकता है, उसमें मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन जो आप 190-200 तक का स्कोर है, हो सकता है आप 215-217 ऐसा स्कोर ना हिट कर पाओ, लेकिन 200 तक का स्कोर हिट करना ना मतलब आराम से आसानी से है। और कई बार क्या होता है ना, जिनको इंग्लिश पे कॉन्फिडेंस नहीं होता ना जिनकी, वो वहाँ पे कोई ब्लंडर करे उससे तो बेटर है ना, आप आप हिंदी जैसे हो। भी हो वैसा का वैसा बता के आ जाओ, तो 170-180 तो मिले ही है। इंग्लिश में आप बोलना कुछ और जा रहे हो, एग्जामिनर ने कुछ और समझ लिया, तो आप 140-130 पे आ गए, तो वो ज़्यादा बड़ा एक नुकसान हो जाता है। यार गौरव, एक जो लास्ट चीज़ है, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि यार आप काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी बड़ी मोटिवेशन की तरह आए, क्योंकि 12 रैंक आपकी आई थी। आप काफ़ी साधारण परिवार से आते हो, राजस्थान के चूरू में, जहाँ जहाँ से लोग टॉपर्स निकलते भी नहीं है, बहुत ही रेयरली शायद आप बहुत दिनों बाद में या बहुत ही कम लोगों में से होंगे जो चूरू से इतने बड़े एग्जाम को आपने क्लियर किया। उसकी वजह से मतलब पूरे हिंदी बेल्ट में खासतौर पर ऐसा है कि मतलब आप आपके पीपल लुक अप टू यू। कि तो आप क्या कहना चाहोगे कि जो जितने भी लोग हैं, जो लोग मतलब छोटी जगहों से, गांवों से, छोटे कस्बों से तैयारी करते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? अगर आपने क्लियर किया है तो वो भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उनको, अगर आप कोई बात बोलना चाहो हमारे दर्शकों को तो। तो इसमें मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि यार आप कोई सी भी जगह से हो, कहीं से भी पढ़े हुए हो, लेकिन एक ब्रेन तो सबके पास सेम है। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कोई ज़्यादा बड़ा ब्रेन है या आपके पास कोई ज़्यादा बड़ी स्किल है। तो मेरे को कॉन्फिडेंस हमेशा इसी चीज़ से आता था कि ब्रेन सभी के पास सेम है, मेहनत हम उनसे भी ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कि आप, और दूसरा आपका मोटिवेशन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जो बिलो लेवल, जो एवरेज फैमिली से जो नीचे से आते हैं, उनका मोटिवेशन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जैसे जो बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से, जिसके पास पैसा है, शोहरत है, रुतबा है, सब कुछ है, उस आदमी को यूपीएससी की तैयारी करते टाइम मतलब मोटिवेशन ना डाउन हो सकता है, वो पूछ सकता है कि मैं क्यों तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन जो एक बिलो एवरेज फैमिली से है, उसके लिए तो हर टाइम मोटिवेशन है, उसको जो भी हर कोई कुछ भी चीज़ मिलेगी, उसको समाज के अंदर सोशल रेस्पेक्ट मिलेगी, एग्जाम से मिलेगी, आपको एकदम अपनी मतलब जीवन को बिताने के लिए जितना भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए इसी एग्जाम क्लियर करने से मिलेगा आपको। जो भी घर के ना, जैसे मैं था,
तो मेरे सारे घर के काम अटके हुए थे कि हम्म, ना मकान भी बढ़ाना है, शादी भी करनी है, ये भी करना है, कोई लोन लिया हुआ है उसको भी चुकाना है, मतलब सारे काम किस चीज़ पे डिपेंडेंट थे कि एग्जाम के ऊपर, कि तेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद वो बात सारी चीज़ें देखेंगे। होने। तो वो तो अपने आप में इतना भयंकर मोटिवेशन होता है, जिस दिन भी ऐसे थक गया कि यार मतलब कि चलो आप मतलब कि सोते हैं, तो उस टाइम पे वही चीज़ याद आएगी यार मम्मी पापा तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा मतलब गाय भी रखते थे, 2 गाय 3 गाय रखते थे वो, तो उनको क्या होता था ना कि जैसे जो गाय भैंसे रखते हैं उनको पता होगा कि खल खिलानी पड़ती है, तो खल को यदि रात को भिगो ना आप तो वो सुबह तक पानी में खट्टी हो जाती है, तो उनको सुबह उठ के ही मतलब उसको भिगोना पड़ता है। तो जैसे वो 6 बजे भी यदि गाय उठ के खाना खाती है तो उसको 4 बजे उठ के आपको भिगोना पड़ता है ताकि वो 6 बजे तक है ना मतलब कि खाने लायक पोजिशन में चली जाए। तो वो लोग सब लोग 4 बजे उठते थे, तो मैं हमेशा से लेट उठने वाला इंसान था, लेकिन जब मेंस वाला टाइम था ना तब मेरे अंदर से खुद के अंदर से ये आवाज़ आती थी यार जब मम्मी पापा सुबह 4 बजे उठ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं उठ सकता। और फिर जैसे कि कभी थक गया तो फिर उसी टाइम यही दिमाग में आता था कि घर अधूरा पड़ा है, वो भी मतलब इसी का वेट कर रहा है कि कब मैं सिलेक्शन लूँ, मतलब मम्मी पापा की उम्र निकलती जा रही है। अब एक मतलब एक मिडिल क्लास सिचुएशन आदमी की सिचुएशन सोच के देखो कि उसके फादर ने लगभग संघर्ष किया है पूरे जीवन में, क्योंकि वो गरीबी से बाहर निकल के आया होगा तब वो मिडिल क्लास में पहुंचा होगा, और उसने संघर्ष करते करते अपने 50-55 साल निकाल दिए। ठीक है, अब आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, 65 इसके बाद है ना आदमी बीमार रहना स्टार्ट हो जाता है अपने आप ही ड्यू टू मतलब बुढ़ापे के कारण ही। नेचुरल। तो मतलब उनके पास है ना केवल मतलब कि केवल 10 से 12 साल है। आप मतलब यदि अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहते हो इसी 10 से 12 साल के अंदर आप कुछ कर सकते हो, यदि आप नहीं करोगे ना तो ये जो 10 से 12 साल है ना वो भी उनके लिए क्या हो जाएंगे, एकदम मतलब पीड़ादायक मतलब दुखदायक हो जाएंगे। वो आपकी टेंशन लेते रहेंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। तो इतने से टाइम में भी यदि हम मतलब वो अपना एफर्ट नहीं डाल पाते ना तो मतलब उससे तो बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं हमेशा जैसे मतलब दूसरों को देखता था कि कई लोग हैं ऐसे कि बाहर में जा रहे हैं मूवीज देखने जा रहे हैं, तो मैं ये देखता था कि हाँ ठीक है इनकी फैमिली एफ्लुएंट है ये अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मेरे सारे ड्रीम्स हैं जो भी हैं वो इसी एग्जाम पे टिके हुए हैं तो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और दूसरा एक सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं ये अटेम्प्ट दे लेंगे अगले में अच्छे से तैयारी करेंगे अगले में अच्छे, ये टाइम बहुत तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ जा रहा है और इस टाइम का रिग्रेट ना आप नहीं मतलब भूल सकते। आप जैसे मैं बता रहा हूँ मेरे ताऊ जी मुझे मतलब गाइड करते थे कि तेरे को RS की तैयारी करनी है, तेरे को IAS की तैयारी करनी है, इन सब की तैयारी करनी है। तो लेकिन जब रिजल्ट आया था ना मतलब उससे केवल जस्ट 12 दिन पहले ये ना मतलब वो दुनिया छोड़ के चले गए थे, तो मतलब अब मेरे को तो आज तक उस चीज़ का गिल्ट होता है कि मैंने और तेज़ क्यों नहीं किया, और मैं काश तेज़ कर लेता। मतलब 18 का एग्ज़ाम था मतलब RS वाला, उसको ना 2-2.5 साल लग गए, उसमें मेरी कुछ खास गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे को ना मतलब अंदर से ऐसे गिल्ट होता है कि मतलब कि जैसे 2020 में मैंने UPSC दिया था, 19 वाला UPSC भी मैं क्या पता मैं दे लेता, तो मेरे को हमेशा होता है कि यार वो मतलब कि टाइम में कर लेते तो ना क्या होता ताऊ जी रिजल्ट देख लेते। तो जो टाइम है ना वो एक बार चला गया ना तो बहुत बुरी मात देता है, और वो मतलब आपको मतलब बहुत ज़्यादा फील होगी कि काश वो लोग देख लेते। और जितना आप लेट करते जाओगे ना तो जो ड्यूरेशन ऑफ हैप्पीनेस आपके फादर आपके ग्रैंड फादर आपके ग्रैंड मम्मा जो भी उससे लेने वाले हैं ना वो रिड्यूस होती जा रही है। तो ये चीज़ मेरे को लगातार मोटिवेट करती रहती थी कि यार अब और आगे करना है और आगे करना है। तो बस ओवरऑल यही था, बाकी जैसे मैं हमेशा यही मानता हूँ कि देखो मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए। जैसे अंडा है यदि उसको कोई नया जीवन संसार मतलब नया जीवन यदि उसको लेना है ना तो उसको चोंच अंदर से ही बिगाड़नी पड़ती है, तभी यदि वो जब आता है तब बाहर एक नया जीवन आता है। यदि आप बाहर से अंडे के ऊपर जोर लगाओगे तो वो आमलेट ही बनती है। तो वो ये यदि बच्चे के ऊपर बाहर से जोर लगा के आप तैयारी करवा रहे हो ना तो वो कर नहीं सकता। अब बाहर से आज आप मेरी स्टोरी से मोटिवेशन एक दिन ले लोगे, 2 दिन ले लोगे, 1 हफ्ते रुक जाएगा, 1 महीने, इससे ज़्यादा तो वो रुक नहीं सकता। लेकिन आप खुद की कंडीशन से ना मोटिवेशन लेना स्टार्ट करोगे, जैसे मानो कि आपको किसी ने रिजेक्ट किया वो चीज़ आपके लिए मोटिवेशन हो सकती है, आपके मतलब घर पे बहुत सारे लोग हैं वो चीज़ आपकी मोटिवेशन हो सकती है, वो घर पे बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है वो आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है। वो ऐसा मोटिवेशन है कि जिस दिन भी घर पे भी यदि एक भी बार बात करोगे ना तो जैसे कि मैं मम्मी पापा से बात करता तो ऐसे सिचुएशन सुनता तो लास्ट में ना मैं सोचता कि इस सिचुएशन का ना प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि मतलब मुझे ऐसे ध्यान है मेरे पड़ोसी थे
वो गंदा पानी हमारे घर के आगे निकाल देते थे। तो मम्मी पापा वगैरह उनको इतना ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो थोड़े से मतलब फिजिकली पावरफुल थे। तो जब वो मेरे को बताते कि ना मतलब कि आज गंदा पानी आ गया हमें साफ़ करना पड़ा ये, तो मन में यही होता यार कि क्या करूँ। एक बार तो पहला फोर्स तो ये आता है कि जाऊँ और उससे फिजिकली फाइट करूँ, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, वो कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो उस टाइम पे बस लास्ट का अल्टीमेट सॉल्यूशन आता, एग्ज़ाम, एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अब जैसे मेरे ताऊजी जब है ना मतलब कि कोरोना में जब बीमार हुए थे तो उनको हॉस्पिटल है ना नहीं मिला था, मतलब कि सारे बेड वगैरह फुल थे, एकदम ज़मीन पे लेटे हुए थे, 6 घंटे बाद ऑक्सीजन मिली थी। तो वो सिचुएशन देख के मैं अपने आप को उस दिन भी ऐसे गिल्ट फील होता कि यार कुछ कर लेता मैं, मतलब किसी से बात कर पाता मैं, किसी से ना मतलब वो बेड दिला पाता। तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्या है ना मतलब चलती रहती हैं, और सब चीज़ों का सोल्यूशन है ना मिडिल क्लास फैमिली के पास है ना, जाके निकल के आता है एग्ज़ाम। जैसे आप हायर अपर क्लास में हो तो आपके पास ज़िंदगी के और एवेन्यूज हो सकते हैं, जैसे आपने बिजनेस कर लिया, आपके पास इनिशियल पूंजी है। तो जो पापा वगैरह बोलते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है हम कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते, हमारे पास जो ज़मीन है वो लगातार बंजर होती जा रही है, मतलब उस ज़मीन से भी कुछ नहीं आएगा तो किसान भी नहीं बन सकता, यदि नहीं पढ़ोगे तो बेरोजगार। तो मतलब एक ऐसी कटिंग एज के ऊपर चलते हैं जहाँ पे यदि आपने नहीं किया तो सब खत्म, यदि किया तो एग्ज़ाम। तो मेरे को जैसे कि वो पानी आ रहा है क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम क्लियर होता तो किसी को बोल सकते हैं। तो मेरे लिए वो चीज़ें जैसे बात करता ना तो वो एक और एनर्जी, वो गुस्सा होता ना उसको चैनलाइज कर लेते पढ़ाई के अंदर, कि अब उस गुस्से को दिखाना नहीं होता किसी को भी। मैं जैसे मेरे साथ जितने भी लोग तैयारी करते हैं उनको किसी को भी नहीं पता होगा कि घर पे कितनी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन उन प्रॉब्लम को अंदर जो गुस्सा आया हुआ है उसको चैनलाइज करो कि एग्ज़ाम को निकालो जितना, और जैसे एग्ज़ाम निकला उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने करवा दिया कि मैं नगर पालिका में बात कर पाया उनको ना, पूरी एकदम मैंने ड्रेनेज वगैरह सारा कुछ करवा दिया और एकदम सोल्यूशन हो गया। तो वो है कि आप अपनी जो जीवन के अंदर जो कमियां हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस की हुई हैं, उनको किस तरीके से आप मोटिवेशन में बदल सकते हो ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी जैसे बोलते हैं ना कि आपने यदि ठान लिया ना यूपीएससी क्लियर करना है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो सब मतलब कि जैसे ही बोलते हैं ना कि मंजिल के ऊपर नज़र है ना तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तो यदि आपका मोटिवेशन आपको है कि एग्ज़ाम यदि यूपीएससी या क्लियर करना ही है तो आपको रास्ते अपने आप ही मिल जाएंगे। तो ये है मेरा मतलब नहीं, ओवरऑल। बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपने इस चीज को बताया, और मतलब काफी आपकी आपकी जर्नी वो रही भी मेरे ख्याल से। मतलब मैं सुनते सुनते मैं भी काफी मोटिवेट हो गया मुझे लग रहा है। और मतलब वो है कि एक एक रीजन तो होता है सबके पास में कि इसलिए मेरे को हाँ, करना है। अगर वो रीजन ही हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा, इसलिए मेरे को करना था वही। और उससे क्या है ना कि आप अपने अबव एवरेज ना हिट करते हो, मतलब कई बार क्या होता है बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा अपने आप को डीमोटिवेटेड महसूस करते हैं ना तो वो बिलो द वेट पंच करते हैं, मतलब उनकी रैंक आनी चाहिए 20, आएगी उनको 200 250। और कई बार ये होता है कि मतलब ऐसे रीजन होते हैं, आदमी स्पिरिटेड रहता है मतलब कि बस करना है करना है करना है, तो वो 200 300 रैंक वाला होता है तो भी वो अपने अबव द वेट है ना मतलब कि हिट करता है। तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा स्पिरिटेड और मोटिवेटेड रहना जरूरी है एग्जाम गौरव, आपने हमारे में। साथ इतना सारा टाइम स्पेंड किया, इनकी बहुत ही कुछ दिनों में शादी भी होने वाली है, उसकी भी तैयारियां कर रहे थे, लेकिन बीच में इन्होंने टाइम दिया इतना सारा दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और